अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेटर के अंदर इसका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से तरतीब दिया होता है और किस तरह एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह दूसरे के साथ इनकी गुफ्तगू हो रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास नोट पैड प्लस प्लस है, तो इसके अंदर मैं आपको, आप कोई भी एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब लाइन में अच्छा है, PHP स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल है नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है, मैं सारा इस पे काम करूँगा। इसको जो है मैंने ओपन किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फाइल ओपन। ओपन के अंदर मैं पूरा वर्क स्पेस यहाँ पे फोल्डर पूरा ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल htdocs के अंदर मेरा फोल्डर है CI के नाम से। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा वर्क स्पेस यहाँ पे पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखें, इधर एक तो ये सिस्टम की फाइल है। ठीक है, सिस्टम के यानी कि इसकी मेन फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी होती है आपकी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को हमने देखना है। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर आप देखें सबसे पहले ये कैशे वगैरह होता है। ठीक है, जो मेमोरी हैंडलिंग वगैरह हो रही होती है। कॉन्फ़िगरेशन ये होती है इसके अंदर डेटा डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे किस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद ये होते हैं आपके कंट्रोलर्स। इसके अंदर जो बाई डिफ़ॉल्ट आप देखें दो कंट्रोलर हैं, index.html है और दूसरा वेलकम पेज है। ठीक है, तो और उसके बाद जो है इसकी ये कोर का इसका जो है डायरेक्टरी है, हेल्पर्स वगैरह हैं, होक्स वगैरह हैं, लैंग्वेज है। ठीक है, लाइब्रेरीज हैं, लॉग्स हैं, मॉडल्स हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस है वो तीन चीज़ों पे, हमारा कंट्रोलर्स पे, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका मॉडल्स हैं। ठीक है, ये देखें मॉडल्स के अंदर यहाँ पे फिलहाल index.html है। ठीक है, और उसके बाद मॉडल्स के बाद हमने व्यू के साथ काम करना है। ये तीन चीज़ें हमारी जो हैं इन पर हमने पूरा काम करना होता है। ठीक है, अब व्यू के अंदर आप देखें क्या क्या चीज़ें, व्यू के अंदर ये एक पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको 1 मिनट ओपन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, हमने यह लोकल होस्ट पे CI मैंने ओपन किया। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक पेज आ रहा है, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। ठीक है, और लिखा हुआ था द पेज यू आर लुकिंग एट इज़ बीइंग जनरेटेड डायनेमिकली बाय कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कह रहा है कि कोऑर्डिनेटर की मदद से ये आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कंट्रोलर में, हम कंट्रोलर को ओपन करते हैं, ये वेलकम डॉट PHP का एक पेज है। ठीक है, अब आप ये इसके अंदर ये देखें, सबसे पहले जो हमारा जो कमांड होती है वो जाती है किसके पास, कंट्रोलर के पास। ठीक है, अब कंट्रोलर के अंदर ये देखें, कंट्रोलर के अंदर क्लास है वेलकम, एक्सटेंड करती है CI कोऑर्डिनेटर को, क्लास को, एक और क्लास को ये एक्सटेंड करती है, यानी कि ये आपका तमाम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे मैंने एक फंक्शन, यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन दिया हुआ है ना, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स के नाम से। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखें लोड दिस लोड व्यू वेलकम पेज। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन जब कॉल होता है तो ये क्या करता है, दिस दिस का मतलब होता है ये। ठीक है, यानी कि इसके अंदर इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दिस दिस का लफ्ज़। ठीक है, लोड करो किसको, व्यू में जाओ, सबसे पहले यहाँ पे आएगा दिस, इस फंक्शन के अंदर इसको लोड करो, व्यू में जाओ और जिस और जो वहाँ पे पेज है वेलकम वेलकम मैसेज के नाम से एक पेज है, उसको अब उसको उसको दिखाओ आप। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू के अंदर ये देखें वेलकम मैसेज का एक पेज है। ठीक है, यहाँ से जो है ना वहाँ से वो कंट्रोलर कॉल करता है। ठीक है, और व्यू को, और व्यू जो है ना इसको ये पेज दिखाता है जिसके अंदर ये सारा लिखा हुआ हो रहा है। ठीक है, अब आप ये अंदर इसके अंदर देख लें, ये लिखा हुआ वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। ठीक है, और यही वाला जो है ना डिस्प्ले हो रहा है कहाँ पे, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। अब सपोज़ मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोर्स बाय साजिद मोवर। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हैं वेलकम टू कोऑर्डिनेटर कोर्स बाय साजिद मोवर। अब इसमें यह हुआ कि सबसे पहले कंट्रोलर के पास हमारी कॉल गई। ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन है ये वाला, ये देखें, ठीक है, ये इसको कॉल करेगा वेलकम वेलकम मैसेज को। आप देख सकते हैं ये वेलकम मैसेज का यहाँ पे .php है, तो डॉट एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ आप यहाँ पे ये वेलकम पेज है उसको यहाँ पे आप पेज को एज ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे आप पास कर दें। ठीक है,
तो ये इसको दिखाएगा। अभी अगर मैं इसको एक काम करूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं कुछ और डिस्प्ले करवाता हूँ। दिस इज टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये फंक्शन तो मैंने बनाया इंडेक्स का, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैंने पेज को लोड नहीं करवाया, बल्कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया इको, मैंने इको करवा दिया कि ये लिखो यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये, मैंने ये डायनेमिकली मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, तो आप इसको देखते हैं क्या होता है इसका इफेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाकर देखा तो ये क्या एरर दे रहा है, लाइन नंबर 24 पे बोल रहा है एरर आ रहा है। इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे और सेमी कॉलन लगा दें, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया। अब दोबारा जाते हैं हम लोग इसे अपने पेज पे, तो ये देखें दिस इज टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। यानी हमने ये कह दिया इसको कि इसको लोड नहीं करो, बल्कि सिर्फ फंक्शन को हमने आउटपुट करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसको दोबारा अनकमेंट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, तो ये आप जाके देख सकते हैं। तो ये दोबारा से जो हमारे पास ये वाला पेज आ रहा है। तो अपने नेक्स्ट लेसन में जो है ना, मैं आपको अपना एक नया कंट्रोलर, हम लोग एक अपना बनाएंगे कंट्रोलर फंक्शन, ठीक है, उसके बाद एक नया पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फिर उसकी हम डिस्प्ले देखेंगे किस तरह से फंक्शनलिटीज हम मुख्तलिफ पेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं।